अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मेरी गुड मॉर्निंग हुई है, 3:16 हो रहे हैं। तो रात में मैंने दो चीज़ें की हैं। तो रात में मैंने पिज़्ज़ा बनाया था अम्मी के लिए अपनी, क्योंकि मदर्स डे था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको कुछ बना के खिला दूँ। सब गिफ्ट देते हैं, मैं कुछ अलग करूँ, तो मैंने उनको पिज़्ज़ा बना के दिया। उसके बाद फिर हम सैरी कराने भी ले गए उनको। और हाँ, एक और बात मुझे करनी है, मैंने कल की वीडियो में एक पार्ट डाला था गाड़ी का, जो सिनेमैटिक्स है, तो वो लोगों को बड़े पसंद आए। तो उन्होंने कहा है कि इसको अलग से निकाल के अपनी इंस्टा की फीड में डालो। अभी मैं वो निकाल रहा हूँ, उसको फोन में डाल के पोस्ट करूँ कि फिर मैंने जाना है रमीज़ भाई के पास, क्योंकि वो I8 में ही है, कोई शोरूम वोरूम में है ना, वो तो उसने मुझे वहाँ बुलाया। तो जब तक मैं वहाँ पहुँचता हूँ, तब तक आप वो सब पार्ट देख के आ जाए। मैं आपसे रमीज़ भाई के साथ मिलता हूँ। बेशक अच्छा ना लग रहा हूँ शक्ल से, मगर मुझे पता है कि खाने में टेस्ट में अच्छा ही होगा, तो चल के खाते हैं। Tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. Subhanallah, office boy. Office boy ne jigar lana dekhe. Acha kaam dhanda shuru kar diya hai. Ha? बड़े चमक रही हो, बड़ी टक इन की हुई है शर्ट भाई। बंदा रमजान में फुल अच्छा हुआ है, हाथ में दस्ती लेके। कितनी पढ़ ली है, चेक कराओ कितनी पढ़ ली है। नहीं हो गए, जीरो। नहीं गिनने नहीं चाहिए, मगर तुम रीसेट कर दे तो ये गलत बात। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फुल तैयार शेयर हुआ है। इसको मैं बंक करके लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम, सब भाई कैसे है, ठीक है? एक बार चित्राल वाला सलाम तो कर दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई, ठीक है? अब ये सुन लिया, अब वो पिछला सुनो। अस्सलाम वालेकुम सब भाई कैसे हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सब भाई कैसे हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सब भाई कैसे हैं, ठीक है? अच्छा, खैर हम लोग इधर आए हैं अभी पार्क I8 के, ऐसी टाइम पास करने, क्योंकि रोजा गुजारना है, टाइम पास करना है। और बताओ क्या हो रहा है अपनी जिंदगी में, या कुछ इनको बताना चाहो? चल रही है, पहले तो मुंह भी सूखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, बोला भी नहीं जाता रोजा रख। रोजे कैसे गुजर रहे, रमजान कैसे गुजर रहे? रोजे जबरदस्त गुजर रहे, बस एक रोजा छोड़ा था, बहुत हालत खराब थी ना जी। मैं एक बार बताऊँ, आज मेरा रोजा नहीं है, मतलब खाया मैंने कुछ नहीं है, मगर वैसे ही मेरा रोजा नहीं है, मैंने रखा नहीं है। बाकी मजाक रात ये है कि ये जो जगह बहुत खूबसूरत, ये मुझे बताओ क्यों दे रहे तुम्हारे पास पूछे। अच्छा, हमें पार्क में ना एक चाचा मिले, तो हम उसके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं अगर वो इजाज़त देंगे शूट करने का, तो हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। वहीं से आप करेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, इधर ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ड्यूटी है, ड्यूटी है अगर पार्क नहीं, ड्यूटी वैसे ही बैठे, खास जरूरत नहीं है तो अच्छा। घरों के पास नहीं है ना, इससे जरूरत नहीं, कह रहे मालिक की खास जरूरत नहीं। हाँ वही ना, मालिक की जरूरत नहीं है, मालिक नहीं माली होता है। अच्छा, मालिक है की बात है ना। दूसरा, आपको इधर बैठ के कैसा लग रहा है, सुकून मिल रहा है? सही मौसम है आज। बाकी आप क्या उसके बारे में कहना चाहोगे, महंगाई के हिसाब से क्या कह रहे हैं? ये अच्छा है या नहीं, इमरान खान अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, आपको इमरान खान अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं, अच्छा अपनी हुकूमत ठीक है। वैसे नवाज शरीफ कैसा था, उसका दौर कैसा था? तकरीर वगैरह। और इमरान खान की कैसी लगती है तकरीर? मतलब गुजारा है।
आप बताए ना, आप आवाम ही तो है, आपसे इसलिए तो पूछ रहे हैं। हम भी आवाम है, हम तो बता देते। कुछ तो मतलब है, तंग आए हुए हैं। तंग आए हुए हाँ। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल भी 108 रुपए हो गया। चलो ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। जब वो बुड्ढे अंकल के पास गए थे, अंकल ने इस तरह के अजीब गरीब जवाब दिए वो बेचारे। मैं आपको बताता हूँ, बहुत से अफसर ना मेरी बात। बेचारा आया हुआ था, बीवी से लड़ के हुआ इस तरह का, उसने रोजा नहीं रखा था। हाँ। उसकी बीवी ने सहरी बना दी मगर उसने रोजा नहीं रखा। सहरी बार बना दी, वो आठ आराम उठा तकरीबन, पता कितने बजे, 4:30 बजे उठा, ठीक है, नमाज भी नहीं पढ़ी बचे थी। बीवी ने उसको सही बेइज्जत किया, उसके बाद वो बाहर निकला रहा, बाहर निकल के उसके बाद फिर शाम में कहीं आके इस पार्क में बेचारा आके बैठ गया और उसे हम मिल गए। और दिल में गालियां दे रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गए। पहले तो उसकी आवाज ही नहीं करी, कैमरे के सामने वो सख्त डर गया। इसको उड़ाओ ना रमीज पे जाके जल्दी। मैंने इसको बोला जाके परिंदे को उड़ा, तशद्दुद कर रहा है, उसमें डंडी उठा ली। अभी मैं रमीश भाई के साथ आया हुआ था इस पार्क में। ये वही वाला पार्क है जो जहाँ की मैंने वो सुनाई थी कहानी, रमीश भाई लोगों के साथ हुआ था। भाई माली आया हुआ इस पार्क में ना, वो पत्ते छत्ते घास छास काट रहा है, तो ये ना उसकी साइकिल लेके भागेगा। बटे बेटा बंदा खड़ा है, वो मारेगा पकड़ के। नहीं मैं चला के चेक करूँगा ना क्या। नहीं 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 नहीं, छोड़ो छोड़ छोड़, बल्कि साइकिल तो करीब है, वो बंदा दूर है। आर यू रेडी टू स्टील द साइकिल ऑफ माली? हाँ, आर यू रेडी और नॉट? ये एक चोर का बच्चा माली की साइकिल चुराता है। भाई ये पैडल से चलती है, वो उसको पता भी नहीं। और चैन में ऑयल नहीं डाला भाई जान, इसमें आपने क्या किया है? अभी वो मैकेनिक। यार इसी के साथ हमारा पार्क का सेशन ख़त्म होता है, तो अभी हम जा रहे हैं घरों की तरफ। मैं इसे छोड़ूंगा, मैं भी अपने घर जाऊंगा, अफ्तारी का टाइम हो गया और मैंने घर में जाके पकौड़े बनाने, तो आपसे घर में मिलते हैं इसको ड्रॉप करके। ओके अल्लाह हाफिज़ बोल दो। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। स्माइल करो, स्माइल करो, पिक्चर ले रहा हूँ। स्माइल ही कर रहा हूँ। वो स्टाइल मारो, वो वाला जो तुम कह रहे थे, वो ये वाला, ये वाला।